हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग मैंगो से बहुत सारे रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट मैंगो पुडिंग की रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैंगोज़ लिए हैं। यहाँ पर हमको दो मैंगोज़ लगेंगे, जिसको हम अच्छे से कट करेंगे। पहले इस तरीके से हमने पूरे क्यूब्स में से मैंगोज़ को कट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, मैंने पहले इस तरीके से सारे क्यूब्स में मैंगोज को कट करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने दो मैंगोज के क्यूब्स को डाला है। ये बेसिकली 2 कप मैंगो के क्यूब्स होना चाहिए। क्यूब्स डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप शक्कर लिया है। आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप यहाँ पर मैंने मिल्क का इस्तेमाल यानी दूध का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस ले। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही गाढ़ा हमारा जो पेस्ट बन के तैयार हो गया है, मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके का चाहिए था हमें। तो इस तरीके से हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रख के अच्छे से पका लेना है। और रहना उसे हिलाते रहे, चम्मच को अच्छे से हिलाते रहना है। तो यहाँ पर हमारे ये प्यूरी पक रही है, जब तक हम कस्टर्ड मिल्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये वैनिला कस्टर्ड पाउडर है। तो पहले 2 टेबलस्पून डाला, अब 2 टेबलस्पून डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरा कस्टर्ड मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था। तो आप 3 टेबलस्पून के करीब ही कस्टर्ड पाउडर लें और उसके अंदर 1/2 गिलास दूध डालें, अच्छे से विस्क करें। अच्छे से विस्क करने के बाद देखिए, लम्स नहीं है, एकदम अच्छा सा हमारा कस्टर्ड मिल्क बन के तैयार है। यहाँ पर हमारी मैंगो प्यूरी भी अच्छे से पक रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें कस्टर्ड मिल्क डालते रहना है। एक साथ ना डालें, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया है, क्योंकि फ्लेम ऑन रहेगा तो लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके पूरा कस्टर्ड मिल्क मिक्स किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बाकी बचा हुआ भी कस्टर्ड मिल्क हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा ना, कस्टर्ड मिल्क से आपको कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कस्टर्ड का एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना एक जायका होता है। वो मैंगो पुडिंग में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ्लेवरफुल लगेगा। इस तरीके से मैंगो पुडिंग के अंदर आप कस्टर्ड का इस्तेमाल करके ज़रूर ट्राई करें, कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करके। कॉर्नफ्लावर से अच्छा कस्टर्ड पाउडर के अंदर जो पुडिंग बनती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े का। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कस्टर्ड और मैंगोज़ का, बहुत ही मज़े का लगता है। और जो शक्कर की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पक चुका है, थिक हो चुका है और सही कंसिस्टेंसी है? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चम्मच से आपको देखना है। ये जो आपका पैन है वो पैन से छूटने लगा और इस तरीके से छूटने लगा, और जो ये इसका गिरने की जो कंसिस्टेंसी है वो एक साथ नहीं गिर रहा है, वो रुक रुक के गिर रहा है। तो आप समझ ले कि आपका जो पुडिंग का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो आपने क्या करना है, पहले मिक्सचर को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक बर्तन ले, उसे पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर ले। उसके बाद जो ठंडा किया हुआ जो पुडिंग का मिक्सचर है वो इस तरीके से डाले। आप चाहे तो छोटे छोटे जो पुडिंग के जो मोल्ड आते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने बड़े बाउल में सेट किया है। आपके पास जो बर्तन अवेलेबल है उसमें आप कर सकते हैं। तो कितने सिंपल तरीके से हमारे मैंगो पुडिंग बन के तैयार होने वाली है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सब कुछ डाल दिया है। अच्छे से टैप करें ताकि सारी जो पुडिंग है हमारे इवनली सेट हो जाए। ऊपर से भी इस तरीके से अच्छे से सेट कर ले। और यहाँ पर हमें 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है। तो 4 घंटे के बाद हम निकाल कर देखेंगे कि हमारी पुडिंग रेडी है या नहीं है। तो देखिए, अच्छे से टैप करने के बाद मैंने 4 घंटे के लिए रख लिया। 4 घंटे के बाद देखिए, हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर देखिए, आपने इस तरीके से जो पुडिंग के एजेस है उसको इस तरीके से थोड़ा सा अलग करना है, बर्तन से अलग करना है। तो मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट के ऊपर इस तरीके से पलट दिया है बाउल को। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका मोल्ड से नहीं निकल रहा है तो ऊपर से थोड़ा टैप करें तो वो अच्छे से निकल जाएगा। जो पुडिंग का मिक्सचर है वो इस तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पर एक फनी बात ये है कि मेरा जो पुडिंग है वो बीच में नहीं निकला है, प्लेट के साइड कॉर्नर में निकल गया है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंगो के कुछ चंक्स काटे हैं, छोटे छोटे पीसेस, उसको इस तरीके से प्लेट पर सजाया है यानी गार्निशिंग किया है। उसके बाद मैंगो पुडिंग के ऊपर भी मैंने कुछ मैंगो चंक्स इस तरीके से डाला है। ये खाते वक्त जब आप एक एक बाइट के अंदर मैंगो चंक्स आते हैं पुडिंग में, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप इस तरीके से पुडिंग बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने तो कोई शुगर सिरप नहीं बनाया है। तो मैंने क्या किया है, जो हमने पीस कर जो रखा था मैंगो का, जो मैंगो शक्कर और मिल्क को जो पीस कर रखा था, उसी को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला है। और इस तरीके से मैंगो पुडिंग के ऊपर मैंने सारा जो उसका मिल्क शेक था
वो इस तरीके से डाला है और उसको इस तरीके से कवर किया है ताकि जब हम मैंगो पुडिंग खाएं तो एक मैंगो मिल्क शेक का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आए। तो आप चाहे तो ये सब नहीं भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा करने के लिए, मिल्क शेक के साथ पुडिंग अच्छी लगी इसलिए मैंने मिल्क शेक के साथ इस तरीके से पुडिंग को एंजॉय किया। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली पुडिंग भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुडिंग भी बना सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।